नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सांसदों ने मिलकर 6 माह पूर्व सड़क का शिलान्यास कर दिया, तो वहीं अधिकारियों ने सड़क को कागजों में ही तैयार कर दिया। जहां एक तरफ शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी देर रात हुई बारिश ने 6 माह पूर्व कागजों में बनी सड़क की पोल खोल कर रख दी। बड़ा क्षेत्र के रामगोपाल चौराहे से लेकर आनंद साउथ सिटी की सड़क का शिलान्यास फरवरी में किया गया है, लेकिन हकीकत में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जहां सिर्फ सड़क को कागजों में ही तैयार किया गया है। जब सड़क निर्माण का शिलान्यास किया गया था तो लोगों की उम्मीद जागी थी कि उनके घरों के सामने का रास्ता आसान हो जाएगा, मगर 6 महीने बाद भी सड़क तो नहीं बनी, लेकिन सड़क तालाब जरूर बन गई। वार्ड 82 के अंतर्गत रामगोपाल चौराहा से लेकर आनंद साउथ सिटी जाने वाली सड़क शहर में बीती रात हुई बारिश से नहर में तब्दील हो गई है। लोगों को आने जाने में तालाब बनी सड़कों से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं पानी भर जाने के चलते सबसे ज़्यादा समस्या आम लोगों को उठानी पड़ रही है। इलाकाई लोगों ने बताया कि जल भराव के चलते शहर से खाटमपुर व अन्य दूसरे भाग में जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं पार्षद सहित अन्य अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, जिसके चलते कई राहगीर चटहल हो रहे हैं। तो आनंद वाली रोड पर खड़े हैं, जहां पर 6 महीने पहले ही सतीश महानंद ने शिलान्यास किया था रोड का, और रोडों बनों का वादा किया था कि रोडें बन चुकी हैं यहां की। यहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं रोडों का कितना बुरा हाल है। पानी बरसने के बाद आज KDA और नगर निगम की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है। हमारे साथ कुछ राहगीर मौजूद है, जिनसे हम बात करते हैं कि इस रोडों का क्या हाल है और कैसे यहाँ से आप जा रहे थे, किस तरह की यहाँ डेली घटनाएं होती है। क्या आपका क्या नाम है यहाँ? हमारा उमा शंकर नाम है। उमा जी, ये बताइए, यहाँ से अभी रोड से आप गुजर रहे थे, कितनी बुरे हालात है? अरे ये मेरी तो, मैं तो एक गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं इतना जानता हूँ, ये मेरी साइकिल पूरा पहिया बोल गया जहाँ से मैं निकल रहा हूँ। तो ये आज तक जो हो रहा है, 5 वर्ष हो गए, इस गवर्नमेंट ने कहा था हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, रोडें तक गड्ढा मुक्त आज तक नहीं। जैसे कि सरकार वादे कर रही है कि गड्ढा मुक्त सरकार, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था ये कि गड्ढा मुक्त सरकार पूरे गड्ढे मुक्त होंगे हर रोडों के, लेकिन यहाँ पर रोडों में बहुत ही बुरे हालात हैं। आपको क्या लगता है 2022 के हालात क्या रहेंगे अगर ऐसे ही गड्ढे? 2022 के हालात अगर ऐसी ये सारी समस्याएं खड़ी रहेंगी तो 2022 में आने वाले में इस सरकार को बिल्कुल किसी तरीके से कोई भी जनता नहीं पाएगी। यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ पे 6 महीने पहले ही शिलान्यास हो चुका है, अभी तक लोगों ने कहीं पे भी रोड का निर्माण नहीं देखने को मिला। क्या लगता है, क्या पैसा पास हुआ है कि क्या हुआ? पैसा अगर पास भी हो गया तो अब ये रोडें नहीं बन पाएंगी, क्योंकि चुनाव आ गया, और चुनाव के पहले अगर बनाना था तो अब तक गवर्नमेंट करती क्या? क्या लगता है कि 2022 में आगे जनता किस तरह से 2022 में अब हमको तो मुश्किल दिख रहा है। जनता भी उनसे बिल्कुल उदास बैठी। यहाँ में आप हालात देख सकते हैं, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, रात में भी यहाँ पानी बरसने के बाद रोडों में गड्ढे। सरकार बड़े बड़े वादे करती है गड्ढे मुक्त होने, लेकिन अभी तक कहीं गड्ढा मुक्त नहीं दिखाई दे रहा। कानपुर से हिमांशु श्रीवास्तव, इंडियन प्राइम।